गाइस, विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में भोकाल मचा रखा है। पहले तो उन्होंने T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाकर इतिहास रच दिया और अब ICC से पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर अपने जन्मदिन से पहले ही मानो अपने आप को बर्थडे का गिफ्ट दे दिया हो। लेकिन विराट का ये जन्मदिन इससे भी खास है क्योंकि उनके फैंस ट्विटर पर किंग कोहली बर्थडे CDP के नाम से ट्रेंड चला रहे हैं, जिसमें CDP का मतलब है कॉमन DP, यानी कि सभी की एक जैसी प्रोफाइल फोटो, जिसके मुताबिक विराट कोहली के जन्मदिन पर हर किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल में जो DP लगेगी वो विराट कोहली की DP से मैच होना चाहिए। वैसे गाइस, इस बार वर्ल्ड कप के कारण कोहली ऑस्ट्रेलिया में है और उनके फैंस और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतकर जरूर लाएंगे। पर उससे पहले आप विराट कोहली को जन्मदिन की बधाइयां कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हैप्पी बर्थडे किंग। बॉलीवुड के किंग खान या यू कहिए कि पठान फिर से लौट आए हैं। जी हाँ गाइस, मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का टीजर रिलीज हो चुका है और लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर बॉलीवुड के किंग खान एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। दरअसल पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम लीड रोल में हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। लेकिन शाहरुख खान की ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही फैंस के निशाने पर आ गई है। असल में इसके टीजर को देखकर लोगों ने दावा किया है कि पठान में दिखाए गए ज्यादातर सीन्स वॉर, टाइगर और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसी हिट फिल्मों से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जहां से ये सीन कॉपी किए गए वो वॉर मूवी खुद सिद्धार्थ आनंद ने ही डायरेक्ट की है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन किंग खान की ये मूवी दमदार एक्शन से धमाल मचाने वाली है। वैसे गाइज, आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में।